जी डॉक्टर मंगल सेन जी की जयंती के शुभ अवसर पर हम सब कार्यकर्ता जो उनकी प्रेरणा से, जो उनके राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, गरीबों के प्रति, हम सब कार्यकर्ताओं को प्रेरणा डॉक्टर साहब से ली, उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम सब कार्यकर्ता राष्ट्र समाज की सेवा कर रहे हैं। आज उनके चरणों में हम श्रद्धांजलि देते हैं और उनसे हम सब कार्यकर्ता दिखाए हुए उनके रास्ते पर समाज में जो काम उन्होंने हमें दिखाए उसी तत्व पर हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी अंतिम व्यक्ति तक सोच थी कि अंतिम व्यक्ति तक कोई भूखा ना रहे, इसी एजेंडे पर हरियाणा की सरकार माननीय मनोहर लाल जी काम कर रही है और हम सब कार्यकर्ता मिलकर डॉक्टर मंगल सेन का जो सपना था कि 90 के 90 विधानसभा में कमल का फूल खिले, पंचायतों में, नगर पालिका में, नगर निगम में, डॉक्टर मंगल सेन का सपना पूरा हुआ है। हम सब कार्यकर्ता डॉक्टर मंगल सेन के चरणों में आशीर्वाद। आज मुख्यमंत्री जी आ रही सौगात दे रहे हैं। हाँ, आज एक साल हमारी सरकार का पूरा होने जा रहा है। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री डिप्टी CM हिसार के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर लॉन्च करेंगे जो उद्घाटन है। चुनाव पर बड़ौदा का चल रहा है, उसको लेकर किस तरह? बड़ौदा का चुनाव जिस तरह जींद का उपचुनाव हमने जीता था, पहले इंडियन नेशनल लोकदल कांग्रेस का वहाँ दबदबा रहता था और इस बार बड़ौदा के अंदर भी जैसे कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल का दबदबा रहता था, भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिला है। विकास की बात आप कर रहे हैं कि विकास किया, लेकिन हुड्डा सरकार हुड्डा कह रहे हैं कि विकास किया ही नहीं। 10 साल भूपेंद्र हुड्डा ने क्या किया? आके वहाँ के बड़ौदा की जनता से पूछे कि जो हमने विकास के काम किए, विकास के नाम से वोट दे। और इस बार उदाहरण होगा, जाति पाति से उठकर इस बार बड़ौदा के मतदाता कमल के फूल को वोट डाले। डॉक्टर मंगल सेन, डॉक्टर मंगल सेन, भारत माता की जय हो। पंचांग शॉर्ट तो करने